नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजधानी पटना स्थित भारत रत्न डॉक्टर बीसी राय के कर्मभूमि पर स्थित अघोर प्रकाश बालिका विद्यालय का दृश्य, जहां बालिकाएं जो हैं छात्राएं पृथ्वी दिवस मना रही हैं। आइए उनसे बातें करते हैं कि हम लोग पृथ्वी को कैसे बचाएं। नमस्कार जी, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विद्या कुमारी है। मेरा नाम खुशी कुमारी है। मेरा नाम आकृति कुमारी है। मेरा नाम खुशी कुमारी है। मेरा नाम निशा कुमारी है। मेरा नाम विद्या कुमारी है। मेरा नाम शिका कुमारी है। आज दुनिया भर में एक विशेष दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है। कौन बताएगा? पृथ्वी दिवस। हम लोग आज पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, यानी वर्ल्ड अर्थ डे। क्यों मनाते हैं? हाँ, पेड़ पौधे को कटने से बचाना चाहिए। और अगर भी हम किसी भी मतलब कि स्टूडेंट को, वो अगर क्लास में टॉपर आए या अगर किसी का बर्थडे हो, तो उसे गिफ्ट में पौधे या मतलब पढ़ने के लिए कुछ एक बुक देनी चाहिए। बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी कुमार। बहुत अच्छा चला दी हो। आज पृथ्वी दिवस है। दुनिया भर में लोग धरती को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाए कि पृथ्वी दिवस सभी दिन है कि नहीं? धरती हमारी माता है ना? तो हम लोग को भी उसका ख्याल रखना। हम लोग बच्चे हैं ना धरती माता के, तो हम लोग भी तो उसका ख्याल रखेंगे। प्रदूषण नहीं हो, उसका ख्याल रखना चाहिए। मतलब ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे हाँ, कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं या हमारे मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, तो हमें सूती कपड़ों की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों से ना कि हमें नुकसान होगा, बल्कि उससे हमारे मतलब आसपास की जो प्राकृतिक है और जो जानवर है, उन्हें भी बहुत नुकसान होता है। क्योंकि अगर कोई जानवर अगर प्लास्टिक खा लेता है, तो उससे या तो कोई बीमारी हो जाती है या तो वो मर जाता है। जैसे गाय जो भूखी गाय जो होती है ना, वो पॉलिथीन में अगर ये भोजन सामग्री या भात वगैरह या खाने का सामान है और पॉलिथीन बना हुआ है, तो भूखी गाय जो उसको खा लेती है पॉलिथीन सहित, और उसके हाथ में जमा हो जाता है और गाय जो है वो मर जाती है बाद में। और उससे जो उस वक्त जो दूध निकलता है, उसे पीने पे इंसानों के भी बहुत ज्यादा नुकसान। हाँ, प्रदूषित हो जाता है ना, दूध भी प्रदूषित हो जाता है और मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है प्लास्टिक। हाँ, और क्या करेंगे हम लोग धरती को बचाने के लिए? अपना नाम बता दो। हाँ, क्या करेंगे हम लोग धरती को बचाने के लिए? जोर से बोलो। धरती को बचाने के लिए हम लोग पेड़ पौधों को बचाएंगे और उन्हें जितना अधिक लगा सके उतना अधिक लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे कि वो ठीक रहे। मतलब पानी नहीं देने से, जैसे वो मुरझा जाते हैं, उसमें मुरझाने से बचाएंगे और पानी का कम उपयोग करेंगे, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर पीने वाली पानी की संख्या बहुत कम। पानी का जो धरती के अंदर जो पानी है ना, उसका जल स्तर जो और नीचे का जा रहा है, और ये क्या कहता है, जल संकट की समस्या राजधानी पटना में भी आ गया है कि नहीं? बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत लोग पानी खरीद के पीते हैं, मालूम है ना? और बहुत सारे लोग जो है प्रदूषित जल भी राजधानी पटना में पी रहे हैं ना, तो इस कारण से लोग बीमार रहते हैं। बहुत अच्छा। काटना बंद करना चाहिए। हाँ, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हाँ, अगर अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो वर्षा भी अधिक होगी। अधिक पेड़ लगाने से वर्षा भी अधिक होगी। और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बिजली बल्ब ये सब बंद करना चाहिए, ताकि ज्यादा बिजली की खपत ना हो, है ना? अगर हम चार आदमी को एक ही जगह जाना है, तो मेरे पास कार है, तो हम लोग उसी से जाएंगे, ताकि प्रदूषण ना हो, वाहन ईंधन के भी बचत हो, समय की भी बचत हो, और थोड़ा हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि किसी सुरक्षित व्यक्ति के साथ जा रहे हैं कहीं। और बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलोगे? हमें ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। अगर पेड़ काटते हैं, तो उसकी जगह पे एक और पेड़ लगाना चाहिए, जिससे पेड़ की बर्बादी नहीं, और यूज भी कर पाएंगे पेड़ का, कुछ बना भी पाएंगे। और कॉपी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज्यादा कॉपी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। कॉपी बच जा रहा है क्लास में, तो अगले क्लास में यूज करना चाहिए उसे, और टीचर भी इस बात को समझते हैं कि अगले क्लास में यूज करना। टीचर को भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।
तुम बोलो कुछ। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं किसी गाड़ियों से, तो और भी लोग अगर उन्हें वहीं पर जाना है तो उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहिए, जिनसे कोई दूसरे, जिनसे ज्यादा प्रदूषण नहीं होगा और ये समय की बचत भी होगी, ईंधन की भी बचत होगी, बहुत अच्छा, समस्या भी नहीं होगी और बहुत कम गाड़ियां चलेंगी, सड़कों पर भीड़ भी जाम भी नहीं होगा। धन्यवाद सर। ये अपना नाम बताओ। तनु कुमारी। तनु, हाँ बोल। हमें मतलब जल की उपयोग मतलब ज्यादा कर, ये मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए जल को, क्योंकि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पानी की एक एक बूंद बहुत ही कीमती होती है, इसलिए जल का मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए उसे। और पानी हम लोग कैसे बचाएंगे, सबसे बड़ी बात है कि है, तो हाँ।